आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्शन में हूं बीएस राजपूत। आपने फर्स्ट में क्लिप देख लिया है डेवलपमेंट पंचायत धरहान का रोड जो साई से लेकर जो धरहान तक है, लेकिन पता नहीं वो रोड की एक वीडियो क्लिप आया हमारे पास, उस वीडियो क्लिप को आपने फर्स्ट में देख लिया और हम लास्ट में भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ भी दिखाएंगे, साथ साथ भी आप वीडियो देखेंगे, आप साथ आवाज साउंड नहीं होगा। तो मैं उन जनता को जो पंचायत धरहान की जो जनता है, मैं तो पहाड़ी लोगों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, आप लोग जागो क्योंकि हक मिलता नहीं है, ये हक छीनना पड़ता है। तो छीनने के लिए आप लोग जागरूक होना पहाड़ी लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि नेता लोग तो आपको झूठ मार करके बोल करके अभी आ गया फंड, अभी कल आ गया, अभी कल लैब टॉपिंग हो रहा है, ब्लैक टॉपिंग हो रहा है, लैब पता नहीं क्या क्या करके आप लोगों को बोल करके बेवकूफ बनाते रहेंगे और आप लोग पीछते रहते हैं और आप लोग प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। तो इसमें हम लोग आपको कहना चाहता हूं कि वो जो जो रोड की कंडीशंस हैं, वो जो पंचायत धरहान के लिए जो साई से लेकर ध्यान करते जो रोड जाता है धरहान में लेकर, उस धरहान को लेकर के जो लोग वहां सरपंच साहबान है, सरपंच साहब बेचारा वो शरीफ आदमी है, बहुत ऑनेस्ट आदमी, बेचारा शरीफ आदमी, क्योंकि उसको हमने कई वीडियो भी लगा दी थी, कई जगह पर भी हमने बोला, क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं थी। जब आजाद साहब के साथ है तो उनकी सुनवाई थी, लेकिन अब बेचारे वो भी बीजेपी में चले गए तो अभी उनकी सुनवाई नहीं, अभी भी सुनवाई नहीं है। काम कराने के लिए बीजेपी में गए तो, और अभी पता नहीं बीजेपी में जाकर भी उनकी सुनवाई है कि नहीं, क्योंकि सुनवाई होती नहीं होती ये तो आप लोग तय करें। लेकिन हमने पहले भी एक वीडियो लगाया था जो रड नाला टू लिफ्टिंग स्कीम थी धरहान के लिए, वो हमने 3 बार वीडियो, हर वीडियो में आप बोलते हैं, तो वहां पे जाकर के सरपंच साहब इतना बेचारा होने से वो बोलता ही कुछ नहीं है। वो जो स्कीम लग के वहां से ट्रांसफार्मर वहां से चोरी, मोटर वहां से चोरी हो गई, अब रहेगी होगी पाइपें, अब पाइपें भी पता नहीं, अब बहुत दिन से 2-4-6 महीने 7 महीने से हमारी टीम उस एरिया में दौरा नहीं किया कि शायद वो भी लोग उठा करके ले गए होंगे, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट है पहाड़ी इलाके का। अब उस रोड को देख करके जो बेचारा मोटरसाइकिल वाला उस रोड को किस तरह से बेचारा पार कर रहा था और किस तरह से रह रहा था, तो बहुत सारे नेता मेरे को लग रहा है कि विजिट कर चुके होंगे, लेकिन आप लोग जागो, मैं तो वोटर को जागो और आम आदमी को बोलता हूं आप लोग जागो, इन लीडरों के चक्कर में मत रहिए। कोई लीडर अच्छा सा चुने तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लीडर अच्छा नहीं चुनेंगे तो आपके साथ इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि सरपंच को बोलोगे काम क्यों नहीं होगा, होता है तो सरपंच बोलता मेरे पास तो 2.5 लाख रुपये मुझे फंड आता है, तो अगर बोलो डीडीसी हमारा मेरे पास पूरा ब्लॉक है तो मेरे पास फांडी तो 70 के आता है, डीडीसी बोल रहा 70 इसके ऊपर नहीं 40-35-40 होगा बीडीसी का, हमें नहीं पता इसके बाद एग्जैक्ट क्या फिगर आते हैं उनके पास उन्हीं से, लेकिन सरकार के बड़े बड़े दावे आते हैं कि डेवलपमेंट के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूं सरकार का ये भी प्रॉब्लम है, सरकार के पास भी इतना फंडिंग नहीं होता है जितना लीडर लोग फेंकते हैं, इतना होता कुछ नहीं है, ये मैं दावे से कह रहा हूं, इतना सरकार के पास होता नहीं है, लेकिन लीडर लोग बहुत फेंकते हैं। जब सेक्रेटरी से जब फंडिंग अलॉटमेंट होता है तो आप देखिएगा फंडिंग अलॉटमेंट का कोई एक डाटा देख निकाल के देखिएगा, आप अब आटिया लगा के देखिएगा, लेकिन लोग जो हमारे जो पहाड़ी लोग हैं बेचारे को जागरूक नहीं है। मैं तो फिर से जागरूक करता हूं, फिर से आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं हर वीडियो के अंदर, जो भी लीडर साहबान आता है उस एरिया के अंदर आप उसको पूछें, उसको अंडरटेकिंग लें और उसको आप बताएंगे ये रोड हमारा, ये हमारा पानी बिजली या ये डेवलपमेंट जो गलियां को जो भी आपकी प्रॉब्लम है या स्कूल की है किसी चीज की प्रॉब्लम, आप उनके अंडरटेकिंग लें उनसे, आप डरिए मत उनको, क्योंकि बोलने के लिए हमें कई जगह में सम्मेलन में देखता था तो कुछ कोई बोलता था उसको बोलते बैठ जा, तो वो जो जाए बाएं के चमचे होते हैं वो बिठा देते हैं, बैठना नहीं है आपने शरिया बोला कि आप अंडरटेकिंग दीजिए हमारे लोगों को और वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए तो हम तब वोट डालेंगे, ये आप लोगों को अधिकार है, उस अधिकार को समझो पहले आप लोग, अगर नहीं समझेंगे तो मैं बोलता हूं खास करके हमारा तहसील ठाकराकोट के लोगों को मैं कहता हूं, हमेशा फोकस रहेगा ठाकराकोट जीज के अंदर, ठाकराकोट के जितनी भी हमारी तहसील है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, हमारी टीम वहां उसी एरिया को जब तक भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इसी तरह से वीडियो भेजते रहें और इसी तरह से हम सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। अब सरकार का काम है, लीडरों का काम है, सरपंचों का काम है कि वो उसको कहां तक पहुंचाते हैं, वो उसको क्या गौर करते हैं नहीं करते हैं, नहीं ये सुबह देखते हैं तो शाम को देख करके
आगे कर देते हैं, नो दूसरी वीडियो में चले जाते हैं, ये तो वही जानेंगे। चलिए मैं इससे ज्यादा और नहीं कहेंगे और आपसे निवेदन करूंगा कि उन एडमिनिस्ट्रेशन और सरपंचों से निवेदन करूंगा कि आम आदमी का वीडियो देखो, वो आम आदमी क्या बोला। चलिए प्लीज देखिए वीडियो आगे और मुझे दे जाते, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, ये देखिए साहिल अंजन का रोड धरान पंचायत के अंदर कैसे खराब हालात चल रहे हैं, ऐसे में गाड़ियों का क्या होगा। इस रोड का टेंडर भी हुआ है ब्लैक टॉप का, तो अभी तक देखो ठेकेदार ने लुक नहीं डाली हुई है, तो एक बार बजरा डाला था तो वापस पूरा रोड खराब हो चुका है। तो अभी इलेक्शनें भी आ रही हैं तो बड़े बड़े लीडर भी आ रहे हैं इधर, कोई भी इस रोड के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, तो डीसी साहब थोड़ा इस रोड के बारे में ज़रूर ध्यान करें ताकि कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो इधर, बहुत रिस्की रोड है। जो देखो बाइक वाला भी आ रहा है इधर से, तो हम अभी बाइक वाले से पूछेंगे क्या हालात है इस रोड का। जनाब इस रोड के क्या हालात है आप खुद बताएं, बाइक आपकी देखो। जी सर, बहुत ही ख़राब रोड है, बहुत ही रोड में खड्डे पड़े हैं, सिर्फ खड्डे ही खड्डे, ऊपर से लेके साई से लेके नीचे अपने साई लांजन तक सिर्फ खड्डे ही खड्डे हैं इधर, बाइक चलाना तो बहुत ही मुश्किल बात है। तो इसका टेंडर भी हुआ है बोलते हैं? हाँ बोलते हैं टेंडर भी हुआ है, लुक पड़नी थी, पता नहीं अब बरसात की वजह से नहीं डाल रहे, अभी इनको पूछना चाहिए डीसी साहब को भी क्यों नहीं डाल रहे लोग। इनको पूछो जो ठेकेदार हैं जिनके कार्ड नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल दो, कि ये देखो अभी तक इन्होंने बिल्कुल सिर्फ बजरा डाला था और कोई भी लुक नहीं डाली है। ये देखो खड्डे देखो पहले रोड में, ये देखो खड्डे।